राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर लाल टूटी जो बीते 7 दिनों से कोमा में है। पिछले महीने की 27 तारीख को एक खबर सामने आई थी कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिसके बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी कराई गई थी। लेकिन जब उनकी तबीयत में उनके हालात में कोई भी सुधार देखने को ही नहीं मिला तो उन्हें जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। चिंता देने वाली बात यह है, परेशान कर देने वाली बात यह है कि अब तक उन्हें होश नहीं आया है। हम रोजाना तौर पर डूडी का हेल्थ अपडेट आपको बताते हैं, वहीं बात की जाए आज के अपडेट को लेकर तो उनके भतीजे अतुल डूडी ने उनकी सेहत को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर काफी कुछ जानकारी दी है, काफी कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। रामेश्वर डूडी के भतीजे अतुल डूडी ने बताया कि फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होगा। उनको होश तो नहीं आया है, लेकिन राहत की बात तो ये है कि अब उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही। उनके सभी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, साथ ही ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, शुगर सब बराबर है। ऐसे में डॉक्टर्स संभावना जता रहे हैं कि उन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने डूडी को वेंटिलेटर से हटा दिया है। वो देखना चाहते थे कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, लेकिन जब डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाया और 24 घंटों तक इंतजार किया तो उन्होंने पाया कि डूडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। उन्हें फिलहाल तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की टीम पल पल उनकी देखरेख में लगी हुई है। वहीं प्रदेश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। उनके समर्थक, उनके अपने, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं।